पति, अब सोने के शिवलिंग कहां से चल करके आई? सोने के शिवलिंग की बड़ी महिमा 49 नंबर के श्लोक में की है, स्वर्ण लिंगम तो वैश्याना महाधन पतिद्वतम। सोने के शिवलिंग पर कोई पूजा अर्चना वंदन करता है महाधनी हो जाता। और मैं तो कहूंगा कि नर्मदेश्वर एक ऐसे बाण लिंग, ये भगवान महादेव की पिंडी है, यहां तो जो सोच लोगे वही पूरा हो जाएगा। सबसे आनंद की बात यह है कि नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई भी ले सकता है, सबसे आनंद की बात है। और सिर्फ पिंडियों पर अधिकार नहीं है, सबके लिए। भस्म की बात कही गई, एक बात है लिखने के लायक, पूजा की सामग्री को स्वान सूंघ के चला गया हो, देवताओं को सूंघ के चला गया हो, मंदिर में स्वान की कुत्ते की छाया पड़ जाए तो मंदिर को स्वच्छता कैसे मिलेगी, उसको शुद्धि कैसे मिलेगी? कोई सामग्री है, भगवान की प्रतिमा ही है समझ लीजिए, उसमें तो मुंह डाल दिया वो तो फेंकना ही पड़ेगा, लेकिन ये समझ लो कि वो देवताओं को ही चाट के चला जाए। आजकल तो कुत्ता कल्चर इतना चल रहा है, मम्मी पापा के लिए जगह नहीं है लेकिन कुत्ते के लिए घर में जगह जरूर होती है। अब कुतरा पूरे दिन मुंह चाटता ही रहता है, वो सबका ही चाटता है घर में, कभी वो तो टांग उठा करके, मैंने देखा है मंदिरों में, इन लोगों के घरों के मंदिर में कुत्ता मंदिर में बाथरूम करके चला जाता है, उन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मंदिर बनाए क्यों फिर? इसमें तो ये लिखा है कि कुतरे की छाया भी पड़ जाए, वो सूंघ करके चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, प्रतिमाएं अपवित्र हो जाएंगी, वो चटक जाएंगी, फटक जाएंगी, टूट जाएंगी, फूट जाएंगी। मैं श्लोक बोल रहा हूं, लिखा है 18 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 60, लिखा है स्वाद विदूषितानाम चह। स्वान कहते हैं ना इसको, कुत्ते को संस्कृत में। यदि श्वान ने इसको दूषित कर दिया है तो इन प्रतिमाओं को शुद्धि कैसे मिलेगी? भस्मनाम शुद्ध रिश्यते, राख के द्वारा महादेव के ऊपर राख चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, और उस भस्म के द्वारा उन देवताओं का मार्जन करें। कौन सा भी देवता हो, महादेव के ऊपर चढ़ी हुई भस्म के द्वारा, उस भस्म के द्वारा भगवान को रिगड़ें, उसके बाद में निलाएं, तभी देव प्रतिमा शुद्ध हो पाएंगी। यहीं से भस्म महिमा को आरंभित किया गया।